एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात पढ़ रहा हूँ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, सब में रह जा रहा हूँ, किसी में थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहा हूँ। एक्चुअली जब बोर्ड की आप तैयारी करते हो, जब आप 10th के 12th के पेपर देते हो और जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो दोनों में बहुत फर्क है। बोर्ड के एग्जाम में आपको ये सिखाया जाता है कि आप अपने पे ध्यान दो, आप अपनी मेहनत करो, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, भाई उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन कंपटीशन का नाम में ही कंपटीशन आता है, इसमें ये मतलब डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। कंपटीशन का मतलब ये है कि आप दूसरों से कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आपका सिलेक्शन जब तक संभव नहीं है जब तक आपको दूसरों से ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपकी स्पीड दूसरे से फास्ट नहीं है, आपको दूसरे से ज्यादा नॉलेज नहीं है। सपोज 35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, सीरियस उसमें 2 लाख हैं, ठीक है, और 2 लाख में से आप जो है 3 लाख बच्चों से नीचे हो नॉलेज में, आपकी स्पीड कम है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको दूसरों से बेहतर बनना होगा। और भैया इतने टैलेंटेड लड़के हैं कि उन्होंने सिलेबस भी खत्म कर रखा है, कई कई साल से सेम एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर भी हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, वो चलते फिरते एसएससी के मिनी गूगल बन चुके हैं। तो आपको अगर उनको क्रॉस करना है तो आपको उस दायरे को पार करना होगा। आपका जो कंपटीशन है वो केवल फ्रेशर बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन रिपीटर बच्चों के साथ भी है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई एमटीएस में जॉब कर रहा है, कोई सीएचएसएल में जॉब कर रहा है, कोई ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर है, साउथ में पहुंच गया, वो दिल्ली आना चाहता है, वो फिर से एग्जाम दे रहा है। तो आपको ऐसे बच्चों के साथ भी कंपीट करना है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। केवल अपने को देख के पढ़ाई मत करिए, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो कितना बेहतर पढ़ रहे हैं, कितना उनके मार्क्स आ रहे हैं, वो करिए। हर सैटरडे संडे को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, वो दिया करो लाइव मॉक टेस्ट, उसका आपको पता चलेगा कि आप कहाँ बैठते हो, आपकी हैसियत कितनी है, कितने लायक हो आप, कंपटीशन करना ही नहीं चाहते हो आप। अभी जब हम आपके सामने बोर्ड पे कोई क्वेश्चन देते हैं तो आप कमेंटबाजी में अरे अंजलि आई लव यू और ये और वो फर्जी का चीज करते रहते हो, जबकि करना क्या चाहिए, आपके अंदर स्पिरिट ऐसी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले आंसर बताऊं, सर ने स्लाइड पे क्वेश्चन दिखा मैं सबसे पहले आंसर बताऊं, लेकिन आपको करना ही नहीं है, इतना जोश क्यों ठंडा है भाई आपका? तो सिलेक्शन आपका तभी हो सकता है जब आप दूसरों को रौंदते हुए कंपटीशन की दुनिया में आगे बढ़ोगे। कंपटीशन है ये, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है। और बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करिए, थोड़ा मैच्योर बनिए, मैच्योरिटी से काम लीजिए। है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे ज्यादा बौखलाहट होते हैं, एक बार जब फेल हो जाते हैं तो उनको थोड़ी बहुत अकल आ जाती है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम नहीं निकल रहे होते हैं ना, 2-3 अटेम्प्ट 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन जब कोई एक सिंगल एग्जाम में निकल जाता है, चाहे वो बेशक छोटा सही, चाहे जीडी का पेपर निकालो, चाहे एमटीएस का पेपर निकालो, ऐसा मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि एक सिंगल एग्जाम निकलने के बाद फिर एग्जामों की लाइन लग जाते हो, 5-6 एग्जाम लगातार निकलते हैं। तो पर खाता अगर आपका खुल जाए ना, चाहे छोटे एग्जाम से शुरुआत करो लेकिन खाता खोलो, फिर उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम आप आगे निकाल लोगे, ये पक्का वादा है हमारा। एक बात और, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर प्री में कम स्कोर रह गया तो क्या मेंस निकालना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात करी है जिनका प्री में स्कोर 150 से भी कम था, लेकिन मेंस में उनका इतना बेहतर स्कोर उन्होंने किया, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारी की कि वो एसएससी की टॉप पोस्ट लेके गए। और ऐसे एक स्टूडेंट नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। हालांकि प्री में अच्छे मार्क्स लाने का एडवांटेज हमेशा मिलता है, वो कि उससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इस बार तो प्री क्वालिफाइंग है, तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे क्वालिफाई करने के हिसाब से पढ़ना है, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपके लिए। प्री को भी, क्योंकि जैसा आपका प्री है वैसा ही आपका मेंस है, तो प्री को भी आप ये देख के पेपर में जाइएगा कि मुझे इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करना है, सबसे प्रायोरिटी की क्वालिफाई तो कर ही ना है, 150+ तो रहना ही है, लेकिन उसमें भी ये सोचेगा कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि प्री के भी मार्क्स एसएससी आउट जरूर करेगी, और उसमें आपका अच्छा स्कोर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मेंस के लिए। ठीक है दोस्त,